नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के 10 एमसीक्यू। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ठीक है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक, ऑप्शन ए 1982 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद या प्रयागराज, ऑप्शन डी कोलकाता। ओके, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है हैदराबाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ओके, ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इज्जत नगर। ओके, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी इज्जत नगर। ओके, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ओके, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी धनबाद। ठीक है, धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता है, कोलकाता में है। ओके, ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाँ, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, हाँ, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ठीक है, ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग 1917 में शुरू किया या नियुक्त किया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता है, कहा गया है? ठीक है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए उर्दू। ठीक है, उर्दू को रेखता कहा गया है मुगल काल में। ओके, तो ऑप्शन ए उर्दू करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, उम्मीद है
वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।